हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, 28 से 31 अगस्त 2019 के बीच का करंट अफेयर हम आप तक लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको मध्य प्रदेश और इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। हमारी 216वीं क्लास है और आपको बता दें, अगर आपको यूट्यूब में स्पीड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों यूट्यूब के ऑप्शन में जाइए, वहां पर स्पीड इंक्रीज करने का ऑप्शन रहता है। आप स्पीड को इंक्रीज करके वीडियो देख सकते हैं, टाइम भी कम लगेगा और आपका वीडियो भी आप पूरा देख सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। हाल ही में किस स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम किया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है फिरोज शाह कोटला गार्डन को। हाल ही में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो दिल्ली में है, इसका नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम किया गया है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हमारे पूर्व वित्त और गृह मंत्री अरुण जेटली का हाल ही में निधन हुआ है और इसी को लेकर फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम किया गया है। दोस्तों आपको कुछ और जो नाम बदले गए हैं भारत में उनके बारे में बता दें, तो दोस्तों इससे पहले 2015 अगस्त में औरंगजेब रोड का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम रोड किया गया था। दोस्तों छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर छत्तीसगढ़ में रायपुर का नाम अटल नगर किया गया है। दोस्तों वहीं दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का नाम भी रखा गया है, जिसका पिछले का नाम मुगलसराय स्टेशन था। तो दोस्तों ये कुछ इंपोर्टेंट नाम थे जो बदले गए हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने नोट गिनने रोबोट तैनात किए हैं? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने नोट गिनने के लिए रोबोट तैनात किए हैं। दोस्तों यह देश का पहला बैंक बन गया है जिसने नोट गिनने के लिए रोबोट तैनात किए हैं। भोपाल, रायपुर, जयपुर, चंडीगढ़ समेत 12 शहरों की करेंसी चेक्स में 14 रोबोट करेंसी गिनेंगे। ये सालाना करीब 180 अरब नोट गिनेंगे। अब दोस्तों बात आई है आईसीआई बैंक की, तो आपको इसके बारे में बता दें। दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक का फाउंडिंग यानी इसकी स्थापना 5 जनवरी 1994 में की गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है और दोस्तों इसके जो की प्यूपिल यानी चेयरमैन है वह गिरीश चंद्र चतुर्वेदी है। तो इतना आपको आईसीआईसीआई बैंक के बारे में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सेसिल राइट ने संन्यास लिया है, ये किस खेल से जुड़े थे? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है क्रिकेट। सेसिल राइट क्रिकेट से जुड़े थे। अब दोस्तों आपको बता दें इनके बारे में, 85 वर्ष की उम्र में 60 साल के करियर और 2 लाख से ज्यादा मैच खेलने, इसके अलावा 7000 विकेट लेने वाले क्रिकेट के सेसिल राइट जो वेस्टइंडीज से बिलोंग करते हैं, इन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है। दोस्तों सेसिल राइट ने 1959 में क्रिकेट खेलना शुरू किया था और इसके बाद ये लगातार क्रिकेट खेलते रहे हैं और अब हाल ही में 2019 में इन्होंने संन्यास लिया है। अब दोस्तों आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें, इनने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है, यानी जो सेसिल राइट हैं इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है लेकिन घरेलू क्रिकेट खेला है, वो भी 60 साल तक। ये दोस्तों एक बहुत बड़ी बात होती है। अब एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें दोस्तों, जो इंटरनेशनल लेवल पर सबसे ज्यादा लंबा करियर रहा है उनका नाम है विल्फ्रेड रूट्स, जो इंग्लैंड के रहने वाले हैं और इनका करियर 30 साल 315 दिन का रहा था, मतलब 31 साल तक इन्होंने क्रिकेट खेला था इंग्लैंड के लिए। तो ये इंटरनेशनल लेवल के सबसे लंबा करियर रखने वाले खिलाड़ी हैं, उनका नाम है विल्फ्रेड रूट्स और घरेलू में जो क्रिकेट खेलने वाले हैं 60 साल का करियर रखने वाले ये हैं सेसिल राइट जो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं और ये क्रिकेट से जुड़े हैं। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कितने बैंक को मिलाकर 4 बैंक बनाए गए हैं? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 10 बैंकों को। हाल ही में 10 बैंकों का विलय करके टोटल 4 बैंक बनाए गए हैं। अब ये कौन कौन से हैं तो आपको इनके बारे में बता दें। पहला है दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक, इसमें ओरिएंटल यूनाइटेड और पंजाब नेशनल बैंक, इन तीनों का विलय करके पंजाब नेशनल बैंक बनाया गया है।
जो देश का सबसे बड़ा बैंक बने, दूसरा सबसे बड़ा बैंक बनेगा। अब दोस्तों इसके बाद विलय किया गया है इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक का, इन दोनों का विलय करके सातवां बड़ा सरकारी बैंक बनेगा। तीसरा विलय दोस्तों केनरा और सिंडिकेट बैंक का किया गया है, इन दोनों को जब विलय किया जाएगा तो देश का चौथा सरकारी बैंक बन जाएगा। और लास्ट जो विलय किया गया है यानी मिलाया गया है बैंकों को, तो वह यूनियन बैंक में आंध्रा और कॉरपोरेशन बैंक को मिलाया गया है। इससे यह दोस्तों देश का पांचवा सरकारी बड़ा बैंक बनेगा। तो ये कुल जो 10 बैंकों को मिलाकर 4 नए बैंक बनाए गए हैं, और उनके नाम एक बार फिर आपको बता दें तो पहला है पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा है इंडियन इलाहाबाद बैंक, दूसरा है कैनरा और सिंडिकेट को बैंक को मिलाकर, और चौथा है यूनियन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में सेफ सिटीज इंडेक्स में मुंबई का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन है 45वां। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार मुंबई को 45वां स्थान प्राप्त हुआ है वर्ल्ड सेफ सिटीज इंडेक्स में। दोस्तों दुनिया की सुरक्षित शहरों में मुंबई 45वीं, और वहीं दिल्ली की बात की जाए अगर तो दिल्ली 52वें नंबर पर 52वां स्थान मिला है। जापान का टोक्यो सबसे ऊपर इस लिस्ट में है, सिंगापुर दूसरे और ओसाका तीसरे स्थान पर है। दोस्तों इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के डिजिटल हेल्थ और सुरक्षा के आधार पर सेफ सिटीज इंडेक्स रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें टोक्यो पहले स्थान पर है और भारत का मुंबई 45वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फिट इंडिया मूवमेंट की शुरू की है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की है। दोस्तों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया है। इस अवसर पर खेल मंत्री किरण रिजिजू जी भी मौजूद थे, और इसी के साथ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भी दिए जाएंगे वहां पर मौजूद लोगों के लिए, जो जिनको राष्ट्रीय खेल पुरस्कार देना है उनके लिए वो भी वहां पर मौजूद थे, तो इन्हें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भी इसी कार्यक्रम के दौरान दिए जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर की। इसमें हम दोस्तों आपको मध्य प्रदेश के जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में बताएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, हाल ही में कब राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है? इसका सही ऑप्शन है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जन्मतिथि है। मेजर ध्यानचंद को उनके उत्कृष्ट हॉकी खेल के लिए हॉकी का जादूगर कहा जाता था। उन्होंने भारत के लिए ओलंपिक में 1928, 1934 और 1936 में गोल्ड मेडल जीते थे, यानी स्वर्ण पदक जीते थे। दोस्तों आपको बता दें भारत सरकार ने 1956 में उन्हें देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। खेल में योगदान के लिए मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी उनकी स्मृति में गठित किया गया है। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें, 2002 से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के तौर पर खिलाड़ियों के लिए ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, आपको याद रखना है राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की जन्मतिथि यानी 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे कोल इंडिया का प्रमुख बनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है प्रमोद अग्रवाल। हाल ही में प्रमोद अग्रवाल को कोल इंडिया का प्रमुख बनाया गया है। तो दोस्तों प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया के अगले प्रमुख होंगे। उनका चयन सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा किया गया है, ये अनिल कुमार झा की जगह लेंगे। दोस्तों आपको बता दें झा अनिल कुमार झा 2020 तक सेवानिवृत्त हो जाएंगे, और उनके बाद प्रमोद कुमार अग्रवाल इनका पदभार संभालेंगे। दोस्तों खास बात इस क्वेश्चन में ये है कि प्रमोद अग्रवाल मध्य प्रदेश में शहरी विकास और आवास विभाग के प्रधान सचिव हैं। प्रमोद कुमार अग्रवाल 1991 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी हैं। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें, प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया के 28वें प्रमुख बनेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे स्वर्ण पदक सम्मान से नवाजा गया है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों अशोक मिजाज। हाल ही में अशोक मिजाज जो एक शायर हैं, इन्हें स्वर्ण पत्रक सम्मान से नवाजा गया है। दोस्तों भारतीय भाषा साहित्य परिषद द्वारा शायर अशोक मिजाज को स्वर्ण पत्रक सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान बिहार के खमडिया जिले में आयोजित समारोह में दिया गया है। तो ये एक इंपोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस जिले में नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है देवास। हाल ही में देवास जिले में नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, इंदौर भोपाल सिक्स लेन एक्सप्रेस कंट्रोल ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे जितना बड़ा नाम उतना ही बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके लिए खासी तैयारी की जा रही है। अब दोस्तों आपको बता दें, जो यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यह एक अनूठी डिजाइन से बनाया जाएगा। इसके लिए दोस्तों आपको मैं एक अलग सी वीडियो लेकर आऊंगा, जिसके बारे में मैं पूरी डिटेल आपको शेयर करने वाला हूं। तो आप फिलहाल इतना याद रखें कि नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट मध्य प्रदेश में देवास जिले में बनाया जाएगा। अब दोस्तों बात आई है देवास की, तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको देवास के बारे में बता दें। उज्जैन संभाग का एक जिला है देवास। माँ चामुंडा और तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है। बैंक नोट प्रेस भी देवास में ही लगाया गया है। प्रदेश की पहली और पवन चक्कियां यहां पर मौजूद है। लेदर कॉम्प्लेक्स की स्थापना भी देवास में ही की गई है। दोस्तों केओनी वन्य जीव अभ्यारण्य भी देवास में ही स्थित है। तो इतना आपको देवास के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में नए व्हीकल एक्ट के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? तो इसका सही ऑप्शन है हमारे मध्य प्रदेश में। हाल ही में मध्य प्रदेश में नए व्हीकल एक्ट के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दोस्तों आपको बता दें, अब जो प्रदेश में किसी भी शहर में आप जाकर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं नए व्हीकल एक्ट के द्वारा। दोस्तों कुछ और प्रावधान किए गए हैं, उनके बारे में भी आपको बता दें। अपने ही राज्य में गाड़ी खरीदी है तो वाहन डीलर ही उसके रजिस्ट्रेशन का आवेदन करेगा। ये पहला रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड नया व्हीकल एक्ट के दिशा निर्देश है। दूसरा है दोस्तों, अब तक वाहन को रजिस्टर्ड करवाने से संबंधित आरटीओ वेरिफिकेशन होता था, लेकिन अब वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। डीलर के आवेदन को ही वेरिफिकेशन मान लिया जाएगा। दोस्तों यदि कोई गाड़ी खरीदने के बाद खराब निकलती है तो डीलर उसे वापस लेकर पैसे लौटाएगा या उस मॉडल जैसी या उससे अपर मॉडल वाली गाड़ी खरीद कर आपको देगा। ये दोस्तों कुछ नए व्हीकल एक्ट के दिशा निर्देश मध्य प्रदेश में जारी किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बात करते हैं ऑफ द डे की। तो आज का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पहली बार किस स्टेशन पर प्लेटफॉर्म के बीच पौधे और फाउंटेन बनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, हम आपके आंसर का इंतजार करेंगे। अब दोस्तों आपको बता दें, ट्रिक ऑफ द डे की बात करते हैं। दोस्तों ये सीरीज में मैंने एक नया अनुभव ऐड किया है, जिसमें आप बताएं कि ये सही है कि नहीं है। ट्रिक ऑफ द डे दोस्तों ऐसा है कि जो मध्य प्रदेश में अभी लास्ट में या आखिरी आखिरी में जितने भी जिले बने हैं उनके बारे में बता दें। तो 2003 में जितने जिले बने थे उनके बारे में आपको पहले बता दें। तो पहला है बुखार में अशोक, गुना से अनूपपुर डोलते हुए गया। अब आपको बताएं दोस्तों, बू से हो जाएगा बुरहानपुर, बुरहानपुर और खा से हो जाएगा खंडवा। 2003 में बुरहानपुर को खंडवा से अलग करके जिला बनाया गया था। इसी तरह दोस्तों अशोक यानी अशोकनगर को 2003 में गुना जिले से अलग करके अलग जिला बनाया गया था। अब दोस्तों इसी प्रकार अनूपपुर जिले को 2003 में डोल से हो जाएगा दोस्तों शहडोल से अलग करके जिला बनाया गया था। फिर दोस्तों इसके बाद 2008 की बात करें तो अलीबाबा सीधे साधे, दोस्तों अलीबाबा यानी अली से हो जाएगा अलीराजपुर और बाबा से हो जाएगा झाबुआ। आपको समझ में आ रहा हो झाबुआ बाबा, तो अलीराजपुर को झाबुआ से अलग करके 2008 में जिला बनाया गया था। इसके बाद दोस्तों सीधे साधे, इसमें आपको बता दें तो सीधे इसमें इसका मतलब होता है सिंगरौली और साधे इसमें होता है सीधी, यानी सिंगरौली को
सीधी जिले से अलग करके 2008 में जिला बनाया गया था। इसके बाद दोस्तों 2013 है और 2018 में आगर की सेज निवार से गढ़ी है। ये दोस्तों ट्रिक आपको याद रखनी है। आगर मतलब अगर, आगर मालवा और सेज मतलब होता है दोस्तों साजापुर, यानी आगर मालवा को साजापुर से अलग करके 2013 में जिला बनाया गया था। दोस्तों निवार और गढ़ी, इस निवार का मतलब होता है दोस्तों निवाड़ी और गढ़ी का मतलब है टीकमगढ़, यानी निवाड़ी जिले को 2018 में टीकमगढ़ से अलग करके जिला बनाया गया था। तो ये दोस्तों ट्रिक ऑफ द डे है। इसमें दोस्तों अगर कुछ और खामियां रहती हैं या जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है कि इसे ऐड करना चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों सजेशंस भी आप हमें दे सकते हैं, हम आपके आंसर का इंतजार जरूर करेंगे। और दोस्तों हमारी क्लास में कुछ भी हम अच्छा कर सकते हैं तो आप ही हमें सजेस्ट जरूर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।